मच्छरमुई पुल के बीच के पाया बह गए बाढ़ में और पुल हुआ जर्जर। कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। सिसवा बसंतपुर गांव के लिए लौरिया व बेतिया जाने का सबसे नजदीक मार्ग में आता है यह पुल। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया बगहा से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल व लौरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मच्छरमुई पुल की स्थिति जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि यह मच्छरमुई पुल लौरिया के चटकल चौक से बगहा अनुमंडल के सिसवा बसंतपुर गांव जाने का सबसे नजदीक मार्ग में पड़ता है, जो कि देखरेख के अभाव और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त और जर्जर हो रहा है। पुल के दोनों हिस्सों पर रेन कट से आवागमन मुश्किल हो रखा है। वहीं बाढ़ की विभीषिका ने पुल के बीच के पाया को पानी में बहा दिया है। यह नहर रूपी नदी बगहा के बूढ़ी गंडक से निकलती है, जिसके कारण विगत दिनों में आए भीषण बाढ़ में पूरा पुल डूब गया था और आवागमन रुक गया था। स्थानीय लोग अपने निजी नावों से खतरा उठाकर आना जाना जान जोखिम में डालकर कर रहे थे। वर्तमान में पुल से तो पानी का स्तर एकदम नीचे हो गया है, पर बाढ़ ने पुल के दोनों तरफ के स्तंभ को भी जर्जर कर दिया है, जिससे कभी भी पुल गिरने का खतरा बना हुआ है और किसी भी समय किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पुल से होकर स्थानीय ग्रामीण और विद्यालय के आने जाने वाले बच्चे भी आते जाते हैं। ऐसे में किसी के साथ जर्जर पुल की घटना घटित हो सकती है। न्यूज 9 टाइम्स। चटकल लौरिया से थोड़ी दूर पे बसंतपुर गांव जाने के लिए ये एक मच्छरमुई पुल है। आप दोनों साइड में देखेंगे बूढ़ी गंडक से कनेक्टेड ये देखिए एक नदी है, नहर कहिए या नदी कहिए, जो कि बूढ़ी गंडक से कनेक्ट है। इधर भी देखिए, इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इधर भी ये नदी का दोनों साइड का हिस्सा है और इसके ऊपर ये जो पुल अभी हम जहां खड़े हैं उसकी स्थिति जो नीचे से अंदर से है, जो कि हमने रिस्क कवर लेकर अंदर की तस्वीरों को लिया है, वो उसके दोनों साइड की जो जगह है और पुल का बेस है वो पूरी तरह से फट गया है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। और गांव वालों का कहना है कि ये आज से नहीं, कुछ सालों से ये फटा हुआ है और जर्जर अवस्था में है। कब यह पुल गिर जाए और कब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए यह कहना मुश्किल है। जैसा गांव वाले ने भी बताया कि यह नदी जो है ये गंडक नदी से कनेक्ट होकर आई हुई है और बाढ़ के समय इसके पुल के ऊपर से पानी बहती है और वैसे में गांव का आना जाने का मार्ग भी बंद हो जाता है। फिर भी ये पुल की जो स्थिति है आने वाले समय में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम कुछ ग्रामीणों से भी पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सरकार आज तक इस पुल पर ध्यान नहीं दी। ये बताइए जहाँ आप अभी खड़े हैं ये कौन सा पुल है? ये मच्छरमुई का पुल बोलता है। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है रास्ता? ये सिसवा बसंतपुर से चटकल वाले जो रास्ता है ना उसमें यहाँ पे पुल है। सिसवा बसंतपुर से रास्ता निकलता है, चटकल के पास मिलता है। अच्छा, इसमें ये जो नहर अभी बह रहा है जी, इस नहर में कितना पानी रहता है? अरे ये नहर में तो बहुत कितना पोरसाव पानी होगा। पोरसाव पानी है। हाँ। जो आप देख रहे हैं पुल के नीचे सारा क्रेक कर गया है। हाँ, वो पूरा बहुत दिन से पहुंच जाता है या उससे नीचे रहता है? नहीं, पुल के पास तक कभी कभी तो इतना बाढ़ आता है कि जो ऊपर भी हो जाता है। ऊपर भी हो जाता है। हाँ, देखिए बताइए क्रेक है इसकी, मतलब ये पुल कितने दिनों से जर्जर अवस्था में? ये तो मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैं होश हुआ है, आने जाने लगा हूँ इधर से, तब से देख रहा हूँ मैं, तब से इसी तरह जर्जर इस यही है। और मतलब इस पर पुल को निर्माण और इसके लिए सुधार के लिए नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तो बारिश का टाइम है तभी भी नहीं जा सकते, सूखा रहता है तभी भी नहीं जा सकते। सूखा रहता है यहाँ पे पानी, जो नीचे पानी दिख रहा है आपको, पानी नहीं रहता है उससे ट्रैक्टर कोई फोर व्हीलर जाता है, ट्रैक्टर सिर्फ जा सकता है, उसी से बस जा सकते हैं। अच्छा, तो ये इस स्थिति में जो दिख रहा है इससे तो लगता है कि ये पुल गिर भी सकता है। हाँ, डर रहता है जब भी आदमी अभी खड़ा भी कोई रहता है तो डर रहता है कभी गिर जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे का दोनों तरफ का पाया टूटा हुआ है, क्रेक है पूरा। किस गांव में आपका घर हो गया? सिसवा बसंतपुर। अच्छा, ये जो ये गांव पे जिस पुल पे अभी हम लोग खड़े हैं, जहां आप अभी खड़े हैं, ये कौन सा नदी का पुल है? ये बूढ़ी गंडक से ये आती है। क्या कहते हैं इस पुल को? ये मच्छरमुई पुल को कहते हैं। मच्छरमुई पुल जी। अच्छा, इसकी स्थिति क्या है, मतलब ये बहुत अच्छी स्थिति में है या क्या, किस स्थिति में है ये? आप तो देख ही रहे हैं ये बुरी स्थिति में है ये, तो इस समय इसका पाया बिचला दोनों खत्म हो गया है। हाँ। ये कभी किसी वक्त गिर सकता है। नदी में ये जो नहर है इसके बीच में पाया भी था जी, और पाया टूट चुका। हाँ, टूट चुका है। और अंदर का जो बेस है उसकी क्या स्थिति है बताइए? उसका स्थिति तो डाउन है, देख ही रहे हैं।
पूरा टूट चुका है। टूट चुका है। तो क्या ऐसे में ये पुल खड़ा रह सकता है? नहीं, ये खड़ा नहीं रह सकता है, कभी भी गिर सकता है ये। कभी भी गिर सकता है? हाँ, कभी भी गिर सकता है।